हैवे गुड डे डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12। वी आर रीडिंग फ्लेमिंगो बुक्स चैप्टर नंबर 3 डीप वाटर बाय विलियम डॉगलस, जिन्होंने अपने एक अपने बचपन की कहानी को एक्सप्लेन किया था कि उनके अंदर जो टेरर था, पैनिक था ऑफ अबाउट वाटर, कैसे वो पानी में तैरना सीखे थे, कैसे पानी में तैरने के लिए क्या क्या डर उनको भुगत झेलना पड़ा था, मौत को कैसे सामने से उन्होंने एक्सपीरियंस किए थे, ये हम लोग सब पढ़ रहे थे। तो अब नेक्स्ट पार्ट, पेज नंबर 28। कल तक हम लोग देखे कि उनको उनके अंदर स्विमिंग करना, कैनिंग करना, बोटिंग करना, ये सब एकदम जैसे माने वो पहले तो पुल में डूबने ही वाले थे, पुल के छोड़ के वो वाटरफॉल्स की तरफ भी गए, उनको अच्छा लगता था, उनको सीखने का मन होता था, लेकिन उनके अंदर का डर वही उनको रोक देता था। नाउ I used every way I knew to overcome this fear। मैं जैसे तैसे करके भी मैं रोज़ सोचता था कि जैसे भी हो मैं अपने मन का इस डर को मैं जीत लूँगा। But it held me firmly in its grip। लेकिन कहीं ना कहीं वो डर बैठ ही रहता था मेरे मन में। Finally one October, ऐसे करते हुए अक्टूबर के महीने में I decided to get an instructor and learn to swim। मैंने अक्टूबर में डिसाइड किया मैं एक इंस्ट्रक्टर लूँगा। इंस्ट्रक्टर मतलब जो सिखाते हैं, मैं एक सिखाने वाले को अपने साथ में लेके जाके तैरना सीखूँगा। I went to a pool, मैं एक पूल पे गया and practiced 5 days a week, और हफ्ते में 5 दिन मैं सीखना शुरू किया, an hour each day, एक घंटा करके। द इंस्ट्रक्टर पुट ए बेल्ट अराउंड मी, इंस्ट्रक्टर पहले मेरे कमर में एक बेल्ट बांध दिया, एंड ए रोप अटैच टू द बेल्ट वेंट थ्रू ए पुली दैट रन ऑन ओवर एट केबल, और जो कि एक मैंने मेरे कमर में बेल्ट बांध दिया और उसका रस्सी का मेन जो डोर था वो इंस्ट्रक्टर के हाथ में था। ही हेल्ड ऑन टू द एंड ऑफ द रोप, रस्सी का आखिरी जो निशान था वो पूरा उनके हाथ में था और बाकी पूरा रस्सी मेरे कमर को अच्छे से बांध लिया था। आवर आफ्टर आवर, घंटों भर, डे आफ्टर डे, दिन ब दिन, वीक आफ्टर वीक, हफ्तों पे हफ्ते मैं इसी पे प्रैक्टिस करता रहा। ऑन ईच ट्रिप अक्रॉस द पूल ए बीट ऑफ द पैनिक सीज्ड मी, लेकिन कहीं ना कहीं जैसे ही मैं पूल पे जाता था वो पैनिक धीरे धीरे याद आ रहा था, लेकिन धीरे धीरे कम हो रहा था पैनिक। ईच टाइम द इंस्ट्रक्टर रिलैक्स्ड हिज होल्ड ऑन द रोप एंड आई वेंट अंडर, कभी कभी इंस्ट्रक्टर अपना रस्सी जो जोर से पकड़ा था कभी कभी ढील कर देता था ताकि मैं अपने से सीख पाऊँ, एंड आई वेंट अंडर, और मैं नीचे की तरफ जाता था। सम ऑफ द ओल्ड टेरर रिटर्न एंड माई लेग्स फ्रोज, तभी मुझे याद आ जाता था कि जैसे ही इंस्ट्रक्टर ढील दे देते थे और मैं नीचे पानी की तरफ जाता था तभी मुझे याद आता था कि वो भयंकर घटना, कैसे मैं डूब रहा था और मेरा पैर सुन होने वाला था, वो फिर मुझे याद आ रहा था। इट वॉज 3 months बिफोर द टेंशन बिगन टू स्टार्ट स्लैक, 3 महीना ऐसे लगातार प्रैक्टिस करते हुए कहीं ना कहीं मेरा जो डर था वो कम होने लगा, स्लैक मतलब कम होना। देन ही टॉट मी टू पुट माई फेस अंडर वाटर एंड एक्सहेल, उसके बाद उन्होंने मुझे सिखाया कैसे सर को पानी के अंदर डूबो के एक्सहेल करना, एक्सहेल मतलब दम खींच के रखना है, और फिर एंड एक्सहेल एंड टू रेज माई नोज एंड इनहेल, और जब नाक में बाहर पानी के बाहर निकालूंगी तब मैं सांस लूंगी, सांस लेना और सांस दबोचना, यही है स्विमिंग का मेन प्रोस्पेक्ट। आई रिपीटेड द एक्सरसाइज 100 of time, मैं ऐसा 100 से भी ज़्यादा बार करता रहा। बीट बाई बीट आई शेड पार्ट ऑफ द पैनिक दैट सीज्ड मी व्हेन माई हेड वेंट अंडर वाटर, जब भी मैं पानी के अंदर जाता था तभी मैं ये चीज़ को एक्सहेल और इनहेल की इस प्रोसेस को मैं प्रैक्टिस करता रहा 100 से भी ज़्यादा बार। नेक्स्ट ही हेल्प मी एट द साइड ऑफ द पूल एंड हैंड मी की क्विट मत लेक, उसके बाद उन्होंने मुझे बोला कि अब तुम पानी में पैर को छलांग मारना सीखो। फॉर वीक्स आई डिड जस्ट दैट, एक हफ्ता भर मैंने वही किया। एट फर्स्ट माई लेग रिफ्यूज टू वर्क, पहले तो मेरा पैर काम नहीं कर रहा था, बट दे ग्रेजुअली रिलैक्स, मैं धीरे धीरे वो थोड़ा स्वाभाविक होने लगा, एंड फाइनली आई कुड कमेंट इट, और फाइनली मुझे वो पैर तैरना, पैर को फैलाना, पानी के अंदर छलांग मारना आना शुरू हो गया। थर्स पीस बाई पीस द बिल्ट स्विमर एंड व्हेन ही हैड परफेक्टेड ईच पीस ही पुट देम टुगेदर इनटू एन इंटीग्रेटेड होल इन अप्रैल ही सेड नाउ यू कैन स्विम। अब धीरे धीरे जबकि मुझे हर एक अंदाजा आने लगा तब अप्रैल के महीने, जब जुलाई अक्टूबर से शुरू किया लगभग अप्रैल महीना आ गया, अप्रैल महीने में आके उन्होंने बोला कि अब तुमको स्विम आ रहा है, डाइव ऑफ एंड स्विम द लेंथ ऑफ द पूल क्रॉल स्ट्रोक, अब तुम किसी भी तरह से कहीं कोई भी अदा से स्विमिंग कर सकते हो, अब तुम्हारे अंदर कोई डर नहीं है। बट आई वॉज नॉट फिनिश, आई डिड द इंस्ट्रक्टर वॉज फिनिश, इंस्ट्रक्टर बोला मेरा जो काम था तुम्हें सिखाना मैंने कर दिया। बट आई वॉज नॉट फिनिश, लेकिन मैं चुप नहीं हुआ। आई
स्टिल वंडर इफ आई वुड बी टेरर स्ट्राइकन व्हेन आई वाज अलोन इन द पूल। मुझे याद आया अभी तक तो इंस्ट्रक्टर मेरे साथ थे, इसलिए मैं सीख गया जब वो नहीं रहेंगे तब मैं कैसे करूँगा। आई ट्राइड, इसलिए मैंने कोशिश किया। आई स्वैम द लेंथ अप एंड डाउन, मैंने ऊपर नीचे स्विम तैरना शुरू किया, ऊपर से नीचे नीचे से ऊपर। टाइनी वेस्टिजेस ऑफ द ओल्ड टेरर वुड रिटर्न, कभी कभार पुराना डर याद आता था। बट नाउ आई कुड फ्रंट एंड से टू द टेरर ट्राइंग टू स्केयर मी, ओह वेल हियर्स टू यू लुक एंड ऑफ आई वुड गो फॉर अनदर लेंथ ऑफ द पूल। और कभी तभी मैं उस डर को, जो डर मुझे डर दिखाता है, उस डर को मैं चैलेंज करके बोल मनी मन बोलता था, देखो मैं करूँगा, तुम्हें जितना भी डर दिखाना है मुझे दिखा लो, लेकिन मैं तो प्रैक्टिस करूँगा ही करूँगा। यही, इसी को तो चैलेंज बोलते हैं, इसी को तो जोश बोलते हैं। दिस वेंट ऑन अंटिल जुलाई, अब जुलाई के महीने तक। बट आई वॉज स्टिल नॉट सेटिस्फाइड, लेकिन तब तक भी मैं पूरी तरह से स्विमिंग में सेटिस्फाइड नहीं हुआ हूँ। आई वॉज नॉट श्योर दैट ऑल द टेरर हैड लेफ्ट, जब तक मेरे अंदर का पूरी तरह से डर खत्म नहीं हो रहा है तब तक मैं सेटिस्फाइड नहीं था। सो आई वेंट टू ए लेक, वेंट टूअर्थ, मैं और एक लेक पे गया जिसका नाम है वेंटवर्थ, कहाँ पे, न्यू हैम्पशायर में है, डिवाइडेड ऑफ ए डॉग कैट ट्रिक्स आइलैंड, जो कि एक आइलैंड का छोटा सा लेक है। एंड स्वैम 2 माइल अक्रॉस द लेक टू स्टैम्प एक्ट आइलैंड, जहाँ पे लगभग 2 माइल मुझे तैरना पड़ेगा। आई स्वैम द क्रॉल, ब्रिज स्ट्रोक, साइड स्ट्रोक एंड बैक स्ट्रोक, ये सब तैरने का अंदाजा है, ये सब अंदाजा लगा के मैंने उस लेक पे तैरना शुरू किया। ओनली वंस डिड आई टेरर रिटर्न, एक बार मुझे वो डर वापस आया था, व्हेन आई वॉज इन द मिडिल ऑफ द लेक, जब मैं लेक के एकदम बीचों बीच चला गया था। आई पुट माई फेस अंडर एंड सॉ नथिंग बट बॉटमलेस वाटर, तब मुझे वही याद आया जबकि पहला बार पूल में मैंने 9 फीट पूल में मैं जाके मुझे 90 फीट लगा था, वही फिर मुझे एक बार याद आया जब मैं लेक के बीचों बीच गया। और जब मैं लेक के बीचों बीच जाके अपना सर नीचे गया था, तब मैं चारों ओर कुछ नहीं देख पाया था सिवाय पानी का। द ओल्ड सेंसेशन रिटर्न इन मिनिएचर, जैसे कि पुराना याद है तुरंत मेरे सामने आ गया। आई लव टर्न से, लेकिन मैं हंसा और बोला, वेल मिस्टर टेरर, डर क्या, अरे डरजी, व्हाट डू यू थिंक यू कैन डू टू मी, तो तुम मेरा क्या बिगाड़ोगे, इट फ्लिट एंड आई स्वैम, जो है चाहे जो कुछ भी हो जाए मैं तो तैर लूँगा। देखो डर को भी चेतावनी दे रहा है, इसी को कहते हैं जोश। येट आई हैड रिसीव्ड ऑल डाउट्स, मैंने अपने जो भी शंका था उसको मैंने क्लियर कर लिया। एट माई फर्स्ट अपॉर्चुनिटी आई हरिड वेस्ट, वेंट अप ऑन द टाइटन टू कॉनराड मीडोज, अप द कॉनराड क्रीक ट्रेल टू मियड ग्लेशियर। मियड ग्लेशियर मतलब लेक के बाद मैं ग्लेशियर पे भी गया, ग्लेशियर पे भी मैंने स्विमिंग किया। ग्लेशियर होता है ना, दो तरफ तुम्हारा बड़ा बड़ा पहाड़ रहेगा, बीच में जो छोटा छोटा लेक जाता है दैट इज कॉल्ड ग्लेशियर। एंड कैंप्ड इन द हाई मीडो बाई द साइड ऑफ द वर्म लेक, भयंकर से भयंकर वर्म लेक में भी मैं जाके तैरता रहा। द नेक्स्ट मॉर्निंग आई स्ट्राइव डिवाइड इन टू द लेक एंड स्वैम अक्रॉस टू द अदर शोर एंड बैक, और अगले दिन तक मैं पूरा लेक को तैर के वापस आ गया। जस्ट एज डॉग कॉर्पन यूज टू डू, जैसे डॉग कॉर्पन एक बहुत बड़ा स्विमर है, वो उनका रिकॉर्ड है पूरे तैर खतरनाक लेकों को तैरना, जैसे उन्होंने किया था वैसे मैंने भी पूरा लेक को तैर के अपना तैरना कंप्लीट किया। आई शाउटेड विद जॉय, मैं खुशी के मारे जोश से मैं चिल्लाने लगा। एंड गिल्बर्ट पीक रिटर्न द इको, और मेरा सुनसान जगह था और वहाँ पर मेरा ये जोश का आवाज़ गूंज रहा था। आई हैड कॉन्क्यर्ड माई फियर ऑफ वाटर, मैंने अपने डर को जीत लिया, पानी का जो डर था मैंने उसको जीत लिया, हासिल कर लिया। द एक्सपीरियंस हैज ए डीप मीनिंग फॉर मी एज ओनली दोज हु हैव नोन स्ट्रक टेरर एंड कॉन्क्यर्ड इट कैन अप्रिशिएट। मैं ये बोल सकता हूँ जिसके भी अंदर जो कहीं भी डर होता है, अगर वो उसी डर को वो ना डरे बल्कि उस डर को वो डर दिखाए, तभी वो उस काम पे जीत सकता है। इन डेथ देयर इज़ ए पीस, मैंने मौत को गले से लगाया था। देयर इज़ टेरर ओनली इन द फियर ऑफ डेथ, मैंने मौत को एकदम आंखों से देख के आया था। एज रूज़वेल्ट के बारे में हम लोग पहले ही बोले थे कि रूज़वेल्ट उस टाइम अमेरिका का प्रेसिडेंट थे जिनका वो बहुत ज़्यादा खास दोस्त बने थे। तो एज रूज़वेल्ट न्यू व्हेन ही सेड, जब रूज़वेल्ट को मेरा ये पूरा घटना पता चला तब वो बोला मुझे, ऑल वी हैव टू फियर, हम सबके अंदर डर है, इज़ फियर इटसेल्फ, बल्कि वो डर है जो डर को हमें डरना नहीं चाहिए। हमारे अंदर डर तो है लेकिन उस डर को हमें डरना नहीं चाहिए। बिकॉज आई हैड एक्सपीरियंस बोथ द सेंसेशन ऑफ डाइंग एंड द टेरर दैट फियर ऑफ इट कैन प्रोड्यूस, क्योंकि मैंने खुद अपने जिंदगी को जिंदगी और मौत के बीच अपने डर को देखा है। द विल टू लिव समहाउ ग्रीव इन इंटेंसिटी, और जिसको
मुझसे ज़्यादा कोई महसूस नहीं किया होगा, लेकिन तब भी रूज़वेल्ट का भी ये कहना है और आज मेरा भी ये कहना है, मतलब विलियम डॉगलस का भी ये कहना है, अगर डर है तुम्हारे अंदर लेकिन वो डर को तुम सर डर उस डर से डरो मत, बल्कि उस डर को चैलेंज करो, मैं तुम्हें डर दिखा दूंगा, तो वो डर कहीं ना कहीं तुम्हारे सामने सर झुकाएगा, हार मान लेगा। एट लास्ट आई फेल रिलीज, एट लास्ट मैं मुझे बहुत शांति मिली, फ्री टू वॉक द ट्रेल्स, मैं कहीं पर भी चल जाता था, कोई भी पतली वाले रास्ते से चल जाता था, क्लीम द पीक्स, मैं पहाड़ों पे भी चढ़ना सीख गया था, एंड टू ब्रश असाइड द फील, और खतरनाक से खतरनाक जो जगह था वहाँ पर भी मैं जाना शुरू किया। तो हियर इज़ कम्प्लीटेड द एक्सप्लेनेशन ऑफ द डीप वाटर चैप्टर नंबर 3 ऑफ फ्लेमिंगो बुक। आई थिंक दिस स्टोरी इज़ वेरी एनर्जेटिक एंड एडवेंचरस। इसके द्वारा हमें क्या मैसेज मिल रहा है कि डर फियर फियर को फियर कराओ, फियर को फियर करो, डर को डर दिखाओ, ना कि डर से भागो, ना मौत आए तब भी उस मौत को ऐसे गले लगाओ कि मौत माने मौत भी तुम्हें ले जाने पे भी वो डर जाए। दिस इज़ कॉल्ड फियर, फियर अबाउट डिफीटेड फियर। ठीक है, तो यही हम लोग इस स्टोरी के दौरान सीख पाए। समंदर में तैरना, पहाड़ों पे चढ़ना, एरोप्लेन पे चढ़ना, आसमान में पायलट की तरह उड़ना, पैराशूट से उतरना, रॉक ड्राइविंग करना, ये सब चीज़ में खतरा है, लेकिन उस खतरे को अगर तुम खतरा नहीं समझोगे, उसको तुम एनर्जी, उसको तुम जोश मानोगे, चैलेंज मानोगे, तो हर कोई काम तुम्हारे लिए स्वाभाविक और जनरली कंप्लीट हो सकता है। सो हियर इज़ द कंप्लीट द एक्सप्लेनेशन ऑफ द डीप वाटर फ्लेमिंगो बुक चैप्टर नंबर 3। टुमारो आई विल सेंड यू द PDF ऑफ द क्वेश्चन इन दिस ग्रुप। हैव ए नाइस डे एंड गुड बाई।